गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह शहीद SHO अरशद खान के परिजनों से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। तो ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए। जाहिर सी बात है कि दो दिनों के दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आज दौरे का दूसरा दिन है। बतौर गृह मंत्री उनका ये पहला दौरा है, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 12 जून को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे SHO अरशद खान, उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान की मुलाकात ये हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब शहीद के घर पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह। तो तीन तस्वीरें आप देखिए, दौरे का दूसरा दिन है, शहीद के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। अनंतनाग सेक्टर के SHO अरशद खान थे जो 12 जून को शहीद हो गए थे। हमारे सहयोगी इदरीस ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इदरीस, अरशद खान के परिवार वालों से यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, क्या कुछ कहा इस दौरान परिवार वालों से, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या और जानकारी आपके पास? जी, बहुत ही एक छोटी मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर अमित शाह और जो अरशद खान की फैमिली है उनके बीच। मैं आपको बता दूं कि एक कॉन्डोलेंस मीट ही रखा गया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई अरशद खान को, कि जो कि 12 जून को जो फिदायीन हमला अनंतनाग में हुआ था जिसमें 5 CRPF के जवान शहीद हुए थे और अरशद खान जो हैं वो जख्मी हुए थे, फिर उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया था एम्स जहाँ पर वो दम तोड़ बैठे थे। मैं आपको बता दूँ कि पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस इस इलाके में कल नहीं मिली थी और आज सुबह सवेरे इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी बिछा दी गई और उसके बाद क्लियरेंस मिली कि इस इलाके में होम मिनिस्टर जो है आ सकते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर आए, अरशद खान की फैमिली से मिले। स्पेशली अगर मैसेज की बात करें तो ये मैसेज भेजा जा रहा है कि जो पूरा देश है वो उन जवानों के साथ है जो इन हमलों में शहीद होते हैं, और मेन मैसेज ये भी रहेगा कि मोराल जो सिक्योरिटी फोर्सेज का है वो कम ना हो।